गाइस हम सब है क्रिकेट के फैन एंड गाइस हम लोगों को क्रिकेट देखना काफी पसंद है। लेकिन गाइस क्या आप सबको पता है क्रिकेटर किस टाइप के शूज यूज करते हैं? तो गाइस क्या क्रिकेटर कैजुअल शूज यूज करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए या फिर क्रिकेटर दूसरे टाइप का शूज यूज करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए? तो गाइस अगर आपको इसके बारे में पता है तो क्या आपको ये पता है विकेट कीपर किस टाइप के शूज यूज करते हैं? गाइस क्या आप सबको पता है क्रिकेटर इंडोर नेट सेशन करते टाइम किस टाइप के शूज यूज करते हैं? एंड गाइस क्या आप सबको पता है आईसीसी का एक स्ट्रिक्ट रूल है शूज के रिलेटेड? तो गाइस अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पूरा वीडियो देखो एंड गाइस आपको आंसर मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू में बेल आइकन दबा देना ऐसे मस्त मस्त इंटरेस्टिंग क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने टाइप के शूज होते हैं। सो गाइस इंटरनेशनल क्रिकेट में बेसिकली तीन टाइप के शूज होते हैं। सो गाइस जो फर्स्ट शूज है इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉमनली यूज होता है वो है स्पाइक शूज। सो गाइस जो सेकंड शूज यूज होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो है रबर स्टड शूज। गाइस जो थर्ड शूज है इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज होता है वो है एस्ट्रो टर्फ शूज। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इन सभी शूज के बारे में डिटेल में। सो गाइस इंटरनेशनल क्रिकेट में दो टाइप के स्पाइक्स यूज होते हैं। सो गाइस जो पहला स्पाइक शूज है वो है फुल स्पाइक शूज। सो गाइस जो फुल स्पाइक शूज होता है उसके सोल पे बेसिकली आपको टॉप से लेकर बॉटम तक स्पाइक देखने को मिलेगा एंड गाइस ये स्पाइक जो होता है वो नेल जैसा यानी कि कील जैसा होता है। सो गाइस जो फुल स्पाइक होता है वो बेसिकली बॉलर्स एंड फील्डर्स के लिए बना होता है लेकिन इसको सभी यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट बैट्समैन। सो गाइस अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर फुल स्पाइक शूज बैट्समैन क्यों नहीं यूज कर सकते। सो गाइस इसका आंसर जो है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस जो फुल स्पाइक होता है वो काफी महंगा होता है क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग होती है वो 2500 से लेकर 50,000 के ऊपर होती है। सो गाइस स्पाइक जो होता है वो अनस्क्रूएबल होता है यानी कि स्पाइक्स को जो हम लोग निकाल भी सकते हैं। गाइस जो स्पाइक्स होता है वो बेसिकली इस टाइप के टूल से निकाला जा सकता है जिसको हम लोग व्रेंच बोलते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के स्पाइक शूज के बारे में। गाइस जो दूसरा टाइप का स्पाइक शूज है वो है हाफ स्पाइक शूज। गाइस इस शूज में थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है फुल स्पाइक शूज से। सो गाइस हाफ स्पाइक शूज बेसिकली बैट्समैन के लिए बना होता है एंड गाइस बैट्समैन के अलावा इसको कोई यूज नहीं करता क्योंकि ये बैट्समैन के लिए ही स्पेशली बना है। सो गाइस इस हाफ स्पाइक शूज को बैट्समैन इसलिए यूज करता है क्योंकि इसके टॉप साइड में आपको स्पाइक मिलता है एंड बॉटम साइड में रबर स्टड मिलता है जिससे बैट्समैन को काफी फायदा होता है। तो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिर हाफ स्पाइक से बैट्समैन को क्या फायदा होगा। तो गाइस इसका रीजन एकदम सिंपल है क्योंकि जो टॉप साइड है उसके ऊपर स्पाइक होता है जिससे बैट्समैन फ्रंट फुट पे इजीली खेल लेता है एंड गाइस बॉटम साइड में रबर ग्रिप मिलता है जिससे बैट्समैन को बैक फुट पे भी खेलने में काफी आसानी होती है। सो गाइस अगर कोई बैट्समैन फुल स्पाइक पहन के बैटिंग करना चाहता है तो उसको उससे काफी नुकसान होने वाला है क्योंकि गाइस जो फुल स्पाइक होता है उसके पूरे सोल में स्पाइक्स होता है। इसलिए गाइस फुल स्पाइक वेयर करने के बाद काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अगर आप बैक फुट पे खेल रहे हो या फिर रन ले रहे हो तो आपका पाव जो है जमीन पे फंस सकता है। तो गाइस इधर काफी ज्यादा चांसेस है कि आप इम्बैलेंस होकर गिर जाओ। गाइस सेकंड चांसेस है कि आप जो शॉट खेलना चाहते हैं उसमें परफेक्शन ना दे पाओ। तो गाइस अगर कोई बैट्समैन के पास फुल स्पाइक शूज है तो बेसिकली वो बॉटम स्पाइक्स को रिमूव कर सकता है एंड देन फुल स्पाइक जो है वो बेसिकली हाफ स्पाइक बन जाएगा एंड गाइस उसको यूज कर सकता है बैटिंग के लिए। सो गाइस अगर मैं बात करूँ हाफ स्पाइक शूज के प्राइस के बारे में तो इसकी प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है 2000 से 40,000 तक होती है। सो गाइस जो सेकंड टाइप ऑफ शूज यूज होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो है रबर स्टड शूज। सो गाइस इस टाइप के शूज में बेसिकली आपको सोल पे स्पाइक देखने के लिए नहीं मिलता। सो गाइस इस टाइप के शूज के सोल पे बेसिकली आपको रबर स्टड मिलता है यानी कि रबर का ग्रिप मिलता है। सो गाइस इस टाइप के शूज बेसिकली हार्ड पिच एंड सॉफ्ट पिच दोनों पे यूज किया जा सकता है। गाइस इस टाइप के जो शूज होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू फुल स्पाइक शूज एंड हाफ स्पाइक शूज। सो गाइस अगर मैं बात करूँ इस शूज के प्राइस के बारे में तो इसकी स्टार्टिंग जो है 500 है एंड गाइस इसकी एंडिंग प्राइस जो है वो 20,000 से लेकर 30,000 तक है। तो गाइस इस टाइप के शूज जो होते हैं बेसिकली बिगनर्स लेवल क्रिकेट के लिए होते हैं यानी कि जो छोटे लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं उन लोग के लिए होते हैं। लेकिन गाइस कभी कभी प्रोफेशनल लेवल के फील्डर्स भी इस टाइप के शूज को यूज कर लेते हैं। सो गाइस जो थर्ड टाइप ऑफ शूज है इंटरनेशनल क्रिकेटर यूज करते हैं वो है एस्ट्रो टर्फ शूज। सो गाइस इस टाइप के शूज बेसिकली आर्टिफिशियल टर्फ पिच पे यूज होता है। सो गाइस इंटरनेशनल क्रिकेटर बेसिकली इस शूज को इंडोर नेट सेशन के लिए यूज करते हैं। सो गाइस जो इंडोर नेट सेशन का पिच होता है वो बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रास का बना होता है इसलिए गाइस उधर पे स्पाइक यूज करना मना है एंड गाइस इसलिए उधर पे एस्ट्रो टर्फ शूज का यूज किया जाता है। सो गाइस जो एस्ट्रो टर्फ शूज है बेसिकली 500 से स्टार्टिंग होकर 30,000 के प्राइस रेंज तक आपको मिल सकता है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आईसीसी का रूल क्या है शूज के रिलेटेड।
सो गाइस आईसीसी बोलता है अगर कोई प्लेयर्स को जितने भी नंबर ऑफ शूज यूज करना है एक मैच में तो उसको सबसे पहले अंपायर से कंफर्म करना पड़ेगा और एल्स वो प्लेयर उतने नंबर ऑफ शूज नहीं यूज कर सकता उस मैच में। तो गाइस मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मैं अभी देने वाला हूं। तो गाइस क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि मैं आपसे पूछा था कि आखिर विकेट कीपर किस टाइप के शूज यूज करते हैं विकेट कीपिंग करते वक्त। सो गाइस जो मोस्ट ऑफ द विकेट कीपर है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं हाफ स्पाइक शूज वेयर करना विकेट कीपिंग के टाइम। सो गाइस एमएस धोनी सर भी हाफ स्पाइक शूज प्रेफर करते हैं विकेट कीपिंग करते टाइम, लेकिन गाइस कुछ विकेट कीपर फुल स्पाइक का भी यूज करते विकेट कीपिंग करते टाइम। सो गाइस वीडियो इधर एंड हो गया है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे मस्त मस्त इंटरेस्टिंग क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।